Assalamu alaikum. Try my mom's healthy and yummy tortillas. Thanks. My mom is sharing the recipe now. Are you excited? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Cook with Mom and Princess ki taraf se sabko welcome. Khush aamdeed. Aaj main aapke saath quick and easy aur tortillas ki recipe share karungi. To kindly video ko pura dekhiyega, skip nahi kijiyega taki koi cheez aap miss nahi kare. To chaliye sabse pehle hame chahiye oats. मैंने एक खुला बर्तन लिया है, उसके अंदर एक कप जो है ओट्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं, एक कप जो है वो मज़ीद ऐड कर देंगे. आप चाहें तो ग्लूटेन फ्री ओट्स ले लें या रेगुलर ले लें. तो साथ ही हम इसमें अंदर ऐड करेंगे पानी. पानी आपने अच्छी तरह बॉईल करके खौलता हुआ पानी ऐड करना है. मैंने कैटल में बॉईल कर लिया, आप चाहें तो पतीले में, सॉस पैन में, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो पानी बॉईल करें. बॉईल जैसे ही हो फौरन ही आपने ऐड कर देना है. तो जितने ओट्स लेने उतना ही आपने पानी ऐड करना है उसी रेशियो के हिसाब से. अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो शक आप एक कप के ट्राई कर लें और सारे ओट्स पे पानी डाल लें ताकि अच्छे से सारे जो हैं वो सोख हो जाएं. सिंपली उसको मैंने थोड़ा सा पकड़ के शेक कर दिया था ताकि सारे जो हैं वो वेट हो जाएं. अब इसको ढक्कन के साथ कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे. तो 30 मिनट के बाद सिंपली आपने अनकवर करना है और चेक करना है. तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ओट्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, बहुत ईजी सा मैथड है कि आपने इसको हैंड ब्लेंडर लेना है और आपने इसको अच्छे से फाइन सी इसकी पेस्ट बना लेनी है. घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ पीसा जाता है. बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको पीसते हुए मज़ीद इसमें पानी नहीं ऐड करना. तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली हमारी बेहतरीन सी जो है पेस्ट बन गई है. अब मैंने इसमें ओट्स का आटा लिया है, इसको ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे और इसकी हमने सिंपली मीडियम हार्ड सी डो बना लेनी है. घबराना नहीं है, ये थोड़ा स्टिकी होता है लेकिन जैसे आप इसको अच्छे से गूंदेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा. तो अब चाहें तो एक दो टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं ऐड किया. तो देखिए अच्छे से गूंद लिया है. अब हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे और 30 मिनट के बाद सिंपली अनकवर करके आपने इसके बॉल बना लेने, जितने बड़े या छोटे आप बनाना चाहते हैं. तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए एक ही हाथ से बॉल बना रही हूँ. तो इस तरह से सारे बॉल बना के रख लेते हैं और फिर हमने पेड़े बना के रख लिए. इसको हम बेलना शुरू करेंगे. तो बेलने के लिए मैंने ओट्स का आटा लिया है और उसको पेड़े को एक एक को आपने उठाना है. चारों साइडों से आपने अच्छी तरह इस पर आटा लगा लेना है. फिर आपने इसको बेलना है. बेलते हुए भी ये आम रोटी की नस्बत थोड़े आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे सारी टिप्स का. अगर थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट करके आप इसको बेलेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन थोड़ा थोड़ा बेलते जाएँ क्योंकि मैं एक हाथ से बेल रही थी तो उस पर इकट्ठा हो गया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इतना मैंने आटा लगाया हुआ है, जैसे ही उसको पकड़ के सीधा किया तो वो सीधा हो गया. तो सिंपली इसकी मैं आपको थिकनेस भी चेक करा देती हूँ इस तरह से बेल के कि कितनी मैंने इसकी थिकनेस रखी है. तो देखिए ये इसकी थिकनेस रखी है. अब आप इसको बहुत सर्कल में अगर बनाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, कोई भी प्लेट लेके कटर लेके आपने इस तरह से काट लेना है जिसके एजेस थोड़े शार्प हों. तो ये जो साइडों से हम उतारेंगे इसको वेस्ट नहीं करना, सारा इकट्ठे करके एंड पे हम फिर एक इसका पेड़ा बना लेंगे. अगर मैं तो स्पेशली जब घर में बनाती हूँ तो इस तरह से नहीं काटती, लेकिन ये कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं या आप बना के सेल करना चाहें तो फिर है कि आपको गोल गोल रोटियाँ चाहिए तो फिर आप इसको ज़रूर इस तरह से काट लें. साथ ही तवे को गर्म किया है तो इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लूँगी, जैसे हम सिंपली घर में आम रोटी बनाते हैं. गेहूं के आटे की इसको हैंडल करना बनाते हुए बहुत इजी होता है, कोई मसला नहीं होता. जैसे थोड़ी सेट हुई है इसकी हम साइड चेंज करेंगे. इस तरह से साइड चेंज करके दोनों साइडों से हमने इसको पका लेना है. ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं, गेहूँ के आटे की नस्बत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं. तो चलिए देखें इस तरह से ये आलमोस्ट हमारी पक गई है. मैं इसको उतारती हूँ और आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कराती हूँ. देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सॉफ्ट रोटी बनी है. साथ ही मेरे लगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको उनके साथ ये भी आइडिया शेयर कर देती हैं, बहुत प्रेजेंटेबल लगती है. मैंने ओट्स लिए हैं, इसमें मैं आटा नहीं डस्ट कर रही और ओट्स के साथ इसको बेल रही हूँ. अब मेरा बेटा आ गया था तो उसको मैंने कहा कि कैमरा पकड़ो तो मैं इसको ना रोल करती हूँ. तो देखें इस तरह से आपने इसको थोड़ा जेंटली जेंटली रोल करना है, लेकिन आटे की बजाय हमने ओट्स लगाए हैं. तो ये कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी इसको रोल करेंगे तो ओट्स की वजह से इसमें क्रैक आ सकते हैं या रोटी टूट सकती है, जबकि दूसरे वाली जो है वो ज़्यादा इजी होती है हैंडल करनी जिस पर ओट्स नहीं लगाएं. तो इसको भी हम जैसे पहली पकाई है उसी तरह से इसको भी पका लेंगे. लेकिन ये देखने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है, स्पेशली जब आप टैकोज़ वगैरह बना रहे हो तो आप इस तरह से ओट्स लगा के बनाएं तो वाकई सब कहेंगे कितना शानदार आइडिया है. अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से देखें ये भी पक गई है. अब सारी हम डिश आउट कर लेते हैं. ये इतनी इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ओट्स की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा हम इसको आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी तो टूट ना जाए. जबकि ये जिसमें हमने ओट्स नहीं लगाए इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको जैसे मर्जी आप इकट्ठा करें और फिर दोबारा से खोल लें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसी हो जाएगी. ये नहीं कि ताज़ी हैं इस तरह से रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते तक किसी तरह से सॉफ्ट रहती हैं. आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप इसको कर लें. दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है इंजॉय करने के लिए. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय मॉम्स वंडरफुल रेसिपीज.
Thanks. Are you ready to make your own? Bye. मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी यम्मी सी और क्विक सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना के ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोलकर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें और थम्सअप करना नहीं आपने भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल के बटन को प्रेस कर दें, उसे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रब रखा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड एंड फ्रेश इज द बेस्ट। कीप वॉचिंग कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस फॉर मोर यमी हेल्दी क्विक एंड वेट लॉस रेसिपीज। बाय, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।